हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीईटी 2023 के कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। कट ऑफ इन द सेंस क्या होता है वो पहले जानेंगे, ठीक है, और आपके हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, मतलब ओपन में कितना कट ऑफ चाहिए होता है, ओबीसी में कितना होता है, एससी में कितना होता है, एसटी में कितना होता है, सब चीजें हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस चैनल पे आप नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मेरा ड्रीम है महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना, ठीक है। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको एक मैं बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर सेम चीज की हमने यूपी विजिटेड, वाल्चित पीएचडी, वीआईटी कॉलेज में बहुत सारे न्यूटन एडुकेटर्स के स्टूडेंट भेजे, ठीक है, उसके तीन साल पहले, ठीक है, तीन सालों से ये चीज चलती आ रही है। CUP, VJTI, वालचंद, PICT, VIT colleges में न्यूटन एडुकेटर्स के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। उसका एक ही रीजन है, वो है स्ट्रेटजीज। मैं आगे बढ़ने से पहले यार, आपका आपको ड्रीम कॉलेज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कोई भी ड्रीम कॉलेज हो सकता है, CUP हो सकता है, वालचंद हो सकता है, VIT हो सकता है, कोई भी ड्रीम कॉलेज है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे जानना है, ठीक है। प्लीज सब बच्चों को कमेंट करना है, ठीक है, आपका ड्रीम कॉलेज जो भी है, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स की लिंक मिलेगी, वो क्रैश कोर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। वो वही क्रैश कोर्स है जिसे पढ़ के, जो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, CUP, VJTI वाले, वही क्रैश कोर्स पढ़ के गए हैं, ठीक है। लास्ट तीन सालों से सेम चीज फॉलो होती आ रही है, ठीक है। वो क्रैश कोर्स में स्पेशलिटी क्या है, उस क्रैश कोर्स में सपोज आपका कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मान लिया मैंने, कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ के ऊपर पहले तो आपको किरचॉफ्स लॉ बताया जाता है क्या होता है, एक्सप्लेन किया जाता है, फॉर्मूला लिखवाया जाता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल करवाया जाता है उसके ऊपर से कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, प्लस लास्ट जितने भी सालों में किरचॉफ्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आए गए हैं वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो सारा ये पैक्ट होके आपके पास आता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट सीरीज की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 3000 क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन आपको बाहर कहीं मिलते होंगे ना, वहां से लगा लो, लेकिन जहां से भी लगाओगे पूछ लेना कि आप 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे क्या। मुझे पता है कोई नहीं कर, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के या फिर क्वेश्चन सॉल्व करके क्रैक नहीं कर सकते, आपको 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। 3000 सॉल्यूशन अगर आप पढ़ के गए, समझ के गए, मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। बैक टू द पॉइंट आता हूं यार, कट ऑफ, कट ऑफ की बात करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि कट ऑफ होता क्या है, ठीक है। पहले समझते हैं कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ एक ऐसी चीज होती है जितना आप, जितने परसेंटाइल आपको लगते हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए, उसे कहते हैं हम कट ऑफ, ठीक है। जैसा जेई का आपका कट ऑफ हर साल वेरी करता रहता है, ओबीसी के लिए अलग होता है, एसटी के लिए अलग होता है, एससी के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है, ठीक है। जनरल के लिए फॉर एग्जांपल 89 होता है जेई का कट ऑफ, राइट। ओबीसी वालों के लिए 70-80 होता है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं, हर साल वेरी करता रहता है। वैसा सीईटी का कुछ पर्टिकुलर कट ऑफ है कि इतना कट ऑफ होने के बाद ही आपको महाराष्ट्र में कहीं एडमिशन मिल सकता है, ऐसा कट ऑफ नहीं है। लेकिन पूरी बात सुन लो मेरी, ऐसा एक पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं होता, लेकिन कॉलेज वाइज आपके डिफरेंट कट ऑफ होते हैं, ठीक है। जेई में कट ऑफ क्यों होता है, क्योंकि जेई का कट ऑफ आपको जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करता है कि नहीं। वहां पे एमएसटी सी भी एडवांस कोई चीज नहीं होती है कि नहीं, तो आपको एमएसटी सीईटी के बेसिस पे ही डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे कॉलेज टू कॉलेज वाइज कट ऑफ वेरी करता है, ठीक है। सीओईपी का एक अलग कट ऑफ रहेगा, वीजीटीआई का एक अलग कट ऑफ रहेगा, पीआईसीटी का एक अलग कट ऑफ रहेगा, ठीक है। वालचंद का अलग रहेगा, वीआईटी का अलग रहेगा, तो आपके हर एक कॉलेज वाइज कट ऑफ डिफर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड रेंज बताने वाला हूँ हर एक कैटेगरी वाइज, कि अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो आपको इतने परसेंटाइल चाहिए ताकि आप एक एवरेज के ऊपर जो कॉलेजेस होते हैं ना वो आपको मिल सके, ठीक है। एवरेज के नीचे की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है मैं गारंटी देता हूँ उसका एवरेज क्या अब होगा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो उनकी बात करेंगे हम अभी, ठीक है। मैं इतने दावे के साथ कैसे बोलता हूँ पता है, कि कोई बच्चा एवरेज से बिलो का नहीं जाएगा, क्योंकि वो चीज करके दिखाई है, ठीक है। लास्ट तीन सालों से जो चीज फॉलो हो रही है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, ये चीजें फॉलो करोगे ना आप, मैं गारंटी देता हूँ एवरेज के ऊपर रहोगे आप। सिर्फ फॉलो करोगे, अच्छे से एक बार देख भी लोगे ना, तो भी ये बहुत ज्यादा टाइम लगा के, टाइम इन्वेस्ट करके चीजें बनाई गई है, पता है। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से ही पढ़ो, न्यूटन एडुकेटर से पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं। आपको बाहर कहीं मिल रहा है ना, बाहर से पढ़ लो, लेकिन लगा लेना क्रैश कोर्स, लगा लेना, ठीक है, मॉक टेस्ट लगा लेना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है ना जो आपको कॉम्पैक्ट किए जाती है, ठीक है। 100 मिनट का कंटेंट आपको 10 मिनट में बताया जाता है, लेकिन बाहर जहां से भी लगाओगे ना, अपने मम्मी पापा का पैसा मत बर्बाद करना, ठीक है। 20-25 हजार मत देना कहीं पे, 10 हजार भी मत देना, 5 हजार तक नहीं देने आपको कहीं पे, ठीक है। उससे कम में कहीं मिलता होगा तो लगा लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज के ऊपर खर्चा नहीं करना है आपको, 1000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना, ठीक है। और अगर कहीं ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए है, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। मैम ने, मैंने और पूरी टीम ने डिसाइड करके वो चीज बनाई है, ठीक है। चलो कट ऑफ की बात कर रहा, तो मैं पहले ओपन कैटेगरी की बात करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अबो एवरेज कॉलेज चाहिए ओपन वालों को, ठीक है, तो आपको 91% से अबो लाने की जरूरत है। 91 से नीचे लाओगे आपको मीडियोकर कॉलेज मिलेगा, बिलो एवरेज कंसिडर कर सकते हो आप, या फिर मीडियोकर रेंज कॉलेज मिलेगा। 91 से अबो लाओगे तो आपको जो मीडियम टू हाई कॉलेजेस जो होते हैं ना, उस रेंज के कॉलेजेस में आप कम्पीट कर सकते हो, ठीक है। आप एक उम्मीद रख सकते हो कि हाँ मैं उस कॉलेज में जा सकता हूँ, ठीक है।
अभी मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरीज की बात कर लेता हूँ, आपका सेफ स्कोर रहेगा या फिर आप कह सकते हो कट ऑफ रहेगा आपका 85%। 85% है आपको लाना मस्त है, 82-83 एकदम लीस्ट कंसिडर कर सकते हो कि हाँ मीडियम लेवल का कॉलेज आपको 82 में मिल जाएगा, लेकिन आपको अब वो 82 लाना जरूरी है तो भी आपको एक मीडियोकर से लेके एक अच्छा कॉलेज जो होता है वो मिलने की कोशिश मतलब संभावना है, 85 आप कंसिडर करना, ठीक है। 82 तो मैंने बहुत मिनिमम बोल दिया है। एससी एसटी की बात करूं तो भाई आपको 70% से ऊपर ही लाना है तो आपको मीडियम लेवल का कॉलेज मिल सकता है, 70-75 के अबो तो आपको मीडियम लेवल का कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। 80 के आसपास आते तो आपको थोड़ा सा मीडियम टू हाई के बीच के कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। एनटी की बात करूं वही रेंज आप कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आई होप मैंने सारी कैटेगरीज कवर कर लिया आपकी, ठीक है। ब्रॉड रेंज बताई मैंने, एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि एग्जैक्ट कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकती वो चीज, ठीक है, क्योंकि इस साल अभी एग्जाम ही नहीं हुई तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँ, ठीक है। और ना मुझे ये पता है कि कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो जब नंबर मेरे पास आ जाएगा तो एक मैं अंदाजा दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज आपको कोशिश करनी है आपको जो कट ऑफ बताया मैंने उसके ऊपर आने की, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सब चीजें मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए बताई, कंप्यूटर आईटी के लिए बताई, ठीक है। उसके नीचे की ब्रांचेस आपको मिल जाएगी कम परसेंटाइल में भी, लेकिन आपको मैं सीएसआईटी की बात की मैंने सिर्फ क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे उसी के लिए आए होंगे मैं होप करता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, बाकी ब्रांचेस में आपका इंटरेस्ट है तो आपको उसी पे जाना है, ना कि दिमाग में घुसाना है कि सीएसआईटी सबसे बेहतर है, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। देखो एक आईआईटी का एक स्टूडेंट था, उससे मेरी बात हुई थी, बहुत अच्छा पैकेज उसने मारा था। उसने एक बात कही थी मेरे से जब मैं आईआईटी के लिए पढ़ाता था अनअकैडमी पे, ठीक है। उसने मेरे से एक बात कही थी कि सर इंजीनियरिंग मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग उसी बच्चे को करनी चाहिए उसका डीप पैशनेट है वो आप इंजीनियरिंग के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में, ठीक है। तो आपको जिस चीज में पैशनेट हो उसी ब्रांच को चूज करना। अगर आपको चाहिए वीडियो किस ब्रांच पे आपको मतलब ब्रांच के नॉलेज के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कॉलेज वर्सेस ब्रांच के ऊपर एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी यार, देखो आपको आपको जो कट ऑफ बताया गया उससे आपको ऊपर आना है, ठीक है, क्योंकि और ऊपर आओगे मुझे पता है। सिर्फ जो चीजें बोली है ना मैंने, क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट अच्छे से फॉलो करना, ये बहुत पीक टाइम है। अभी अभी आपने नहीं किया तो आपका नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की, ये बहुत पीक टाइम है, ठीक है। अभी आपको सब चीजें छोड़ छाड़ के पढ़ाई को लगना है, ठीक है। तो खत्म करता हूं मैं चीजों को, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सिया, बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता वहां पे ज्वाइन होने का। आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के, आपके दोस्तों के ग्रुप ज्वाइन होंगे, इसके उसके बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन होंगे आपके, है कि नहीं। तो प्लीज एक एजुकेशनल ग्रुप भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय, टेक केयर, थैंक यू।